हेलो स्टूडेंट वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी स्टूडेंट आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स ओके राइट इशू क्या होता है इसकी थेरी भी करेंगे प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाइक कैसे कैलकुलेट करते हैं हम राइट इशू की वैल्यू वो भी करेंगे ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके राइट इशू ऑफ शेयर का क्या मतलब है सबसे पहले तो सेक्शन इसका सेक्शन सिक्सटी टू है जो कि आपका गिवन है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में ओके okay, इसका मीनिंग क्या होता है राइट right इशू का राइट इशू मीन्स कंपनी को जब फ्यूचर में फर्दर या एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट में जो जनरल पब्लिक है जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर ना करके फर्दर कैपिटल रेज करने के लिए क्या करती है उसके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना उनको ही ऑप्शन देती है उनको ही राइट right देती है कि आप परचेज कर सकते हैं हमारे शेयर्स या फिर आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास राइट right होता है कि कंपनी फ्यूचर में जब भी एडिशनल कैपिटल रेज करेगी तो पहले उनसे पूछा जाएगा मतलब पहले उनको ऑफर देगी कि आप परचेज कर लीजिए अगर वो नहीं परचेज करते देन जनरल पब्लिक के पास जाएगी तो क्या है मीनिंग राइट इशू ऑफ शेयर का यू कैन सी राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज द एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस एट अ स्टेटेड फ्यूचर डेट क्या होता है कंपनी राइट इशू जो दे रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर देती है मतलब मार्केट में जो भी प्राइस है आपके शेयर्स का आज के टाइम पर उससे कम प्राइस में देती है अब कम में देंगे तभी तो कोई एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा आपकी कंपनी में अगर उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो वो नहीं करेगा इसलिए कंपनी क्या करती है उनको कुछ इंसेंटिवस देती है एज अ डिस्काउंट ओके तो डिस्काउंट पर जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परचेज़ करने का जो ऑप्शन रखते हैं दैट्स कॉल राइट इशू ओके और जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो एक सर्टिन रेशियो में परचेज़ कर सकते हैं ये नहीं कि उनको जितना चाहिए वो उतना पूरा सब्सक्राइब कर लेंगे नो no. लाइक like अगर आपने कंपनी के ऑलरेडी टेन शेयर्स परचेज कर रखे हैं और कंपनी ने जो राइट इशू का जो रेशियो रखा है वो वन फॉर एवरी टेन रखा है मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी टेन शेयर है ना तो आप वन शेयर एक्स्ट्रा परचेज़ कर सकते हैं इट्स इसके अकॉर्डिंग आपके पास अगर हंड्रेड शेयर्स हैं तो आप टोटल कितने शेयर परचेज़ कर पाएंगे टेन एज ए राइट इशू आप टेन नंबर ऑफ़ शेयर्स और एक्स्ट्रा परचेज़ कर पाएंगे और आपकी होल्डिंग कितनी हो जाएगी अब कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक सौ दस शेयर के लिए हो जाएगा क्लियर तो एक सर्टेन रेशियो में ये होता है ये हमेशा आप ये नहीं जितना आपका मर्जी हो उतना परचेज कर ले नो ठीक है एक जो भी रेशो जो कौन डिसाइड करेगा कंपनी डिसाइड कर दिए कि उसको क्या रखना है राइट इशू का रेशो तो इससे क्या होता है कंपनी को कोई भी अननेसेसरी लाइक ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है और कंपनी राइट इशू क्यों यूज़ कर दी है कुछ एडवांटेजेस होंगे इसके ऑफ कोर्स कि कंपनी चाहती है कि उसकी जो ऑनरशिप है वो ज़्यादा शेयर होल्डर्स के हैंड में ना जाए उसके ऊपर अननेसेसरी ऑनरशिप जो है वो ना बढ़े ओके कंट्रोल जो है ज़्यादा लोगों का ना हो तो इसलिए वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ऑफर करती है और साथ ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक क्यों इन्वेस्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी में क्योंकि वो ए फेमिलियर होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस इन्वायमेंट से उसकी पॉलिसी क्या है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है ओके क्या प्लान है क्या गोल्स हैं इस इसलिए वो लोग इंटरेस्टेड uh, होते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए वो लोग भी परचेज़ कर लेते हैं क्लियर तो लाइक like, डिफरेंस क्या होता है जनरल इशू और राइट इशू में वो देख लेते हैं जनरल इशू मतलब जब आप पब्लिक को इशू करते हैं ऑफ़र कैपिटल रेज करने के लिए दैट्स कॉल्ड जनरल इशू राइट इशू जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हैं शेयर के परचेज करने के लिए दैट्स कॉल्ड राइट इशू तो मीनिंग से एक डिफ्रेंस क्लियर हो गया सेकेंडली क्या होता है राइट इशू के अंडर जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के इन्वॉर्मेंट से कंपनी की वर्किंग कंडीशन से स्ट्रैटेजी पॉलिसी हर एक चीज से फेमिलियर होते हैं जबकि जनरल पब्लिक नहीं होती है तो चांसेस कम होते हैं कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए ओके okay, सेकेंडली क्या होता है कॉस्ट ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ़ इशू जो होता पब्लिक के पब्लिक इशू में ज़्यादा होती है क्योंकि कंपनी को पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है कंपनी को प्रोस्पेक्ट्स प्रिपेयर करना होता है एडवर्टीजमेंट करवाना होता है कैंपेन करवाती है तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है जबकि राइट इशू में क्या है कंपनी को पता है कंपनी के मेम्बर्स कौन है उनको ही सिर्फ इन्फॉर्म करना है तो कंपनी एक जनरल मीटिंग करके भी उनको बता सकती है शेयर होल्डर्स को कि हम फर्दर कैपिटल रेज करना चाहते हैं आपके पास ऑप्शन है इस रेशो में परचेज करने का ठीक है इसलिए कॉस्ट ऑफ इश्यू राइट इशू में कम होती है पब्लिक इशू में ज्यादा होती है आपकी देन प्राइस होता है आपका इशू प्राइस पब्लिक इशू में क्या होता है इशू प्राइस कम होता है राइट right इशू में भी इशू प्राइस जो है वो कम होता है क्यों कम होता है इंटेंशन है अलग कंपनी की लाइक पब्लिक इशू में कंपनी नहीं क्या चाहती है कि उसके जो सारे शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाए मार्केट में जितने भी उसने इशू किया है ना वो एटलीस्ट सब्सक्राइब हो जाए कंपनी को एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए इसलिए कम रखती है वो और राइट इश्यू में क्या होता है कंपनी कम क्यों रखती है क्योंकि वो इन, आ, इंसेंटिव देना चाहती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना चाहती है ताकि वो लोग ही कंपनी में इन्वेस्टर्स बने रहें कंपनी को छोड़कर ना जाए क्योंकि वो अगर छोड़ के जाएंगे तो कंपनी को जनरल पब्लिक को इन्वाइट करना होगा और जब जनरल पब्लिक आएगी तो ज़्यादा लोगों का कंट्रोल हो जाएगा कंपनी के ऊपर ओके so सो यही है कॉस्ट ऑफ इश्यू होता है और कंपनी कैसे इन्फॉर्म करती है मेंबर्स को जनरल पब्लिक को अपने इशू के बारे में जो पब्लिक इशू में तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू न्यूज़पेपर्स के थ्रू बता दी है लेकिन राइट इशू में क्या करती है कंपनी मेल कर सकती है डायरेक्टली रजिस्टर मेम्बर्स जो हैं शेयर होल्डर्स हैं उनको या फिर मीटिंग्स भी बुलाकर उनको बता सकती है ठीक है तो ये वे है आपका नो नेक्स्ट है ओके सो मीनिंग क्लियर हो गया आपको आई होप तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम वैल्यू ऑफ राइट इशू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज यूज़ करने हैं इस चैप्टर में तो क्या क्या फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका है देखो एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू मींस क्या है कि हमारा जो अगर कंपनी राइट इशू करती है तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा वो तो करने के बाद ही पता चलेगा लेकिन कंपनी एट प्रजेंट जानना चाहती है तो क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे हम ओके okay, और उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने क्या फॉर्मूला है एज्यूम मार्केट वैल्यू इक्वल ब्राकेट मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू मतलब एट प्रेजेंट जो भी मार्केट प्राइस है शेयर का वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर मतलब ओल्ड शेयर ऑलरेडी कंपनी के कितने हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस ओके okay, प्लस का साइन है उसके बाद ब्राकेट राइट इशू प्राइस राइट इशू प्राइस मतलब आप कितने में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर रहे हैं वो प्राइस लेंगे देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ राइट इशू शेयर आप कितने शेयर एज ए राइट इशू ऑफर कर रही हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो करेंगे ओके देन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आफ्टर राइट इशू मतलब ओल्ड वाले जितने भी हैं आपके प्लस न्यू शेयर्स आपने जो ऑफर कर रहे हो एज ए राइट इशू दोनों को एड ऑन करके आपने डिवाइड करना है क्लियर देन सेकेंड है आपका वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना है तो वैल्यू ऑफ राइट आपका डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट हमारा जो भी है और हमने ये जो एज प्राइस कैलकुलेट किया है आफ्टर राइट उन दोनों का डिफरेंस लेंगे देन नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना होता है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ओके शेयर कैपिटल का क्या मतलब है कि मार्केट में टोटल शेयर कैपिटल कितनी इशू हो जाएगी आफ्टर राइट इशू कंपनी की कितनी कैपिटल बढ़ जाएगी ओके okay? तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा है इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल आफ्टर राइट इशू ठीक है इशू के बाद कितनी कितना बढ़ रही है वो इंक्रीज़ वो चेंज लेंगे ठीक है चेंज एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल बिफोर राइट इशू मतलब ओल्ड वाली ठीक है ऑलरेडी आपके पास कितनी कैपिटल है और राइट right इशू आप कितना कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो आपका इंक्रीज़ परसेंटेज इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल आ जाएगा एंड लास्टली आपको कैलकुलेट करना होता है अंडर दिस परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल फंड फंड मतलब कितना कैश uh, हो जाएगा कंपनी के पास एज ए इक्विटी ऑनर्स जो फंड है वो कितना हो जाएगा तो उसके लिए भी सेम है इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी या फंड डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इक्विटी एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड वाला इनटू में हंड्रेड ठीक है डिवाइड में हम क्या करते हैं बेस वो लेते हैं ना जो ओल्ड होता है तो यहाँ पर ओल्ड वाला लेना है आपने कैपिटल के अगेस्ट में कैपिटल लेना है फंड के गेस में फंड लेना है देन वी कैन कैलकुलेट ओके सो ये फॉर्मूला यूज करके अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक सॉल्व करके ये देखिए ये क्वेश्चन है साहिल लिमिटेड प्रपोज टू रेज द फर्दर कैपिटल व इशू ऑफ राइट शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स एट प्रेजेंट द इश्यू प्राइस ऑफ द कम एट प्रेजेंट देयर इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी फिफ्टी लैख कंपनी का जो एक्जिस्टिंग या फिर ओल्ड जो कैपिटल है मार्केट में वो रुपीज़ फिफ्टी लाख का है ठीक है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर रुपीज़ हंड्रेड नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जो कंपनी के शेयर की है फिफ्टी लैख के अगेंस्ट में वो हंड्रेड रुपीज़ पर शेयर है और मार्केट प्राइज एट प्रेजेंट कितना है कंपनी का वन फिफ्टी है द मैनेजर इज कंसिडर द फॉलोइंगल्टर फॉर मेकिंग द राइट इशू कंपनी जो है ये ऑप्शन यूज कर रहा है मैनेजर राइट इशू करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है केसेस हैं ये फर्स्ट केस क्या है लाइक फाइव न्यू शेयर्स फॉर एवरी फाइव ओल्ड शेयर्स ठीक है फाइव शेयर्स के बदले कंपनी फाइव न्यू शेयर फाइव ओल्ड शेयर के बदले फाइव न्यू शेयर दे रही है सेकेंड केस में फोर न्यू शेयर फॉर एवरी फाइव ओल्ड शेयर्स एट ए प्राइस क्या है प्राइस भी अलग अलग है फर्स्ट केस में हंड्रेड रुपीज़ पर दे रही है सेकेंड में वन टेन पर और थर्ड में थ्री न्यू शेयर दे रहे हैं फॉर एवरी फाइव ओल्ड शेयर किस रेट पर एक सौ पंद्रह पर वन फिफ्टीन पर और लास्ट केस में टू न्यू शेयर दे रहे हैं फॉर एवरी फाइव ओल्ड शेयर एंड एट विच प्राइस वन ट्वेंटी रुपीज़ पर क्लियर ये क्वेश्चन है तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है वही फ़ोर चीज़ आपको कैलकुलेट करना है एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू वैल्यू राइट परसेंटेज इंक्रीज शेयर कैपिटल परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल फंड ठीक है तो अब कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट में जैसे फर्स्ट केस तो इजी है तो मैं आपको सेकंड केस करवाती हूँ सेकेंड केस क्यों क्योंकि इसमें क्या है रेशियो डिफरेंट है लाइक फोर दे रहे हैं फॉर एवरी फाइव और फर्स्ट में क्या है फाइव फाइव है, like है, है? है. इसलिए मैं सेकेंड करवाती हूँ क्योंकि सेकेंड के बाद आप बाकी कर पाएंगे खुद से देखिए फॉर्मूला क्या है सबसे पहले फॉर्मूला जो लिखा था हमने ये रहा आपका फॉर्मूला एज यू मार्केट वैल्यू के लिए मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइड इन टू मई नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट इशू प्राइस इंटू मई नंबर ऑफ राइट इशू तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा वन फिफ्टी है यू कैन सी क्वेश्चन में हमने किया था ना वन फिफ्टी है और शेयर वैल्यू जो है हंड्रेड है और इशू प्राइस जो है वन टेन है सेकेंड केस में और कैपिटल टोटल फिफ्टी लैख का है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए ओल्ड वाले हमारे ओल्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स फिफ्टी लैख को जब आप हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर जो ऑलरेडी हैं फिफ्टी थाउजेंड है तो एज अ राइट इशू नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या रेशो रखा है फोर इस टू फाइव का रेशो रखा है ना तो री इशू के नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे तो उसके लिए डिवाइड करेंगे ऑलरेडी कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं फिफ्टी थाउजेंड एंड इंटू में रेशो जो है आपका सॉरी डिवाइडेड बाय कितना फाइव इंटू में फोर फोर इस टू फाइव है ना तो फोर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फोर दे रहे हैं और कितने के बदले दे रहे हैं फाइव के बदले दे रहे हैं तो उससे डिवाइड करना है तो कितने आ जाएंगे आपके राइट इशू शेयर्स फोर्टी थाउजेंड क्लियर तो कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे इट मीन्स नाइन्टी थाउजेंड फिफ्टी और ओल्ड है फोर्टी न्यू मीन्स नाइन्टी थाउजेंड टोटल इशू कंपनी का हो जाएगा ओके चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर फर्स्ट केस सॉल्व किया है हम सेकेंड करते हैं इसके अकॉर्डिंगली तो क्या है हमारा मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस वन फिफ्टी लिखेंगे आप और नंबर ऑफ़ एग्जिस्टिंग शेयर मतलब ओल्ड शेयर्स कितने हैं वो भी सेम फिफ्टी थाउजेंड है देन यहाँ पर राइट इशू प्राइस कितना रखा है सेकेंड केस में वन टेन तो यहाँ आप हंड्रेड की जगह वन टेन कर लेंगे इन टू में और राइट इशू शेयर कितने किए हैं फोर्टी थाउजेंड ठीक है फोर्टी थाउजेंड शेयर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं नाइन्टी थाउजेंड ठीक है फिफ्टी थाउजेंड ओल्ड प्लस फोर्टी थाउजेंड नी सॉरी फोर्टी थाउजेंड नाइन न्यू शेयर्स हैं तो इट मीनस नाइन्टी थाउजेंड आपका टोटल इशू शेयर्स हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि कितना आ रहा है वन थर्टी टू पॉइंट टू टू ठीक है तो आप कैलकुलेट कर लें और फाइनली टैली कर लें कि इतना आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है चलिए अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें वैल्यू ऑफ़ राइट ये हमारा वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला हमें पता है ठीक है वैल्यू ऑफ़ राइट कैसे कैलकुलेट करें मार्केट वैल्यू माइनस एज्यूम मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू तो मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट क्या है हर एक केस के लिए आपका फिक्स्ड है वन फिफ्टी है ठीक है सेकंड केस की हम बात कर रहे थे तो सेकंड केस में हमारा एज्यूम वैल्यू कितना है वन थर्टी टू पॉइंट टू टू माइनस किया तो वैल्यू आ गया हमारा सेवनटीन पॉइंट सेवन एट क्लियर देन थर्ड कैलकुलेट करना है हमें चेंज इन शेयर कैपिटल ओके चेंज इन परसेंटेज चेंज इन शेयर कैपिटल तो फॉर्मूला आपके सामने है इंक्रीज इन शेयर कैपिटल आफ्टर राइट इशू डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल बिफोर राइट इशू तो इंक्रीज़ कितना हुआ है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमने इशू किए थे सेकंड केस में फोर्टी थाउजेंड क्लियर और कितने का एक शेयर्स है एक शेयर कितने का हमारा हंड्रेड का है नॉमिनल वैल्यू जो है हंड्रेड का है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी लाख डिवाइडेड बाई शेयर कैपिटल बिफोर राइट इशू तो बिफोर कितना है ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में फिफ्टी लाख इंटू में हंड्रेड तो सॉल्व कर लेंगे आप आपकी वैल्यू आ जाएगी क्लियर देन लास्टली हमें कैलकुलेट करना है फंड का ओके परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल फंड ये रहा आपका टोटल फंड यानी इक्विटी का तो इसमें लिखना है आपका इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी इनटू टू मई हंड्रेड तो इक्विटी का मतलब है कि किस प्राइस पर आपको कितना पैसा मिलेगा तो सेकंड केस में हमारा जो इशू प्राइस था वो रुपीज़ वन टेन था क्लियर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने ऑफर किए थे फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड इंटू वन टेन तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर लाख ठीक है फोर्टी फोर लाख हो गया डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी कितना था ऑलरेडी तो आपका फिफ्टी ही था फिफ्टी लाख इंटू में हंड्रेड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल फंड के लिए क्लियर तो ये है आपका राइट इश्यू का थियरी प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो अगर समझ में आया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें